नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, थंबनेल के ऊपर आपने देख लिया होगा कि आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कब आएंगी और इसका सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई है, एग्जाम पैटर्न की तो बात बहुत बाद में रहेगी, क्योंकि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है और एग्जाम पैटर्न है ये एचपीएससी बेहद लेट बताती है। और अभी जो हाल फिलहाल में एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर आपको पता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्क्लोज नहीं किया है। इसी के साथ में आप देखोगे जो एग्जाम पैटर्न है वो भी हाल फिलहाल में नहीं बताया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि हम बात करें कि क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वैकेंसी कब आएंगी, तो ये अंदाजा आप कह सकते हैं। मतलब फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन तो तभी होती है जब एचपीएससी इसको ऑफिशियली अपने पोर्टल पर लॉन्च कर देगी। परंतु हमेशा याद रखिएगा कि संभावनाओं में भी दम होता है, और वो कौन सा दम है आज उसके बारे में बात करेंगे। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम इस संभावना को देखते हैं कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2019 के बाद नहीं आई है, और बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर बार बार छप रही थी कि अभी भी एचपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बस आने वाली हैं। बहुत बार ये छपे कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इतनी पोस्ट और नई सेंक्शन कर दी हैं। इसी के साथ में बहुत जल्द कॉलेज के अंदर नए असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, और कमियों की बात की जाए तो 7,000 से 8,000 वैकेंसी हरियाणा कॉलेजेस के अंदर वैकेंट भी दिखाई गई, परंतु अभी तक जैसा आपको पता है कि वैकेंसी नहीं आई। और वैकेंसी नहीं आई तो इसका डिले होने का कारण क्या है, पहले उस डिले होने के कारण को जानते हैं, फिर जानते हैं कि एचपीएससी की वैकेंसी कब आएंगी और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले रीजन को देखते हैं। पहला रीजन हमारे सामने है वो है एचपीएससी के खिलाफ कोर्ट केस होने का। अब ये कोर्ट केस क्या है कि हमेशा आप जानते हैं कि कोई भी सिलेक्शन कमेटी कोई होती है, कोई भी कमीशन होता है, उसके खिलाफ कोर्ट केस तो होते ही है, अमूमन होते हैं, बहुत सारे कोर्ट केस होते हैं। परंतु कई हमारे दोस्त ये कहेंगे कि इसके अंदर लूप होल भी एचपीएससी या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस प्रकार के जो कमीशन है, जान बूझ के छोड़ देते हैं ताकि वैकेंसीज डिले हों। परंतु कोर्ट केस जब चला जाता है तो कमीशन के खिलाफ आवाज़ उठना लाजमी है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू कर देते हैं, और एचपीएससी कोर्ट केस की कोई एक सिंगल वजह नहीं है, कई सारे एचपीएससी के खिलाफ केस हो गए और वो बड़े मेजर हैं। पहला यदि बात करें तो पीछे एक एचसीएस अधिकारी जो ऑफिशियल है और वो गवर्नमेंट का सीधा, मतलब उसके अंदर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का सीधा लेना देना होता है, और वो अधिकारी फंस गया करप्शन के मामले में, एचपीएससी के अंदर घोटाले के मामले में, तो उससे रिगार्ड, मतलब उससे रिलेटेड कोर्ट केस तो है ही। इसके अलावा भी और कोर्ट केस हैं, और वो कोर्ट केस कौन से हैं, जैसे आप बात करेंगे 17 सब्जेक्ट आए थे एचपीएससी के 2019 में, उन 17 सब्जेक्ट्स में से 11 का सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग रख दिया और 5 का सिलेक्शन क्राइटेरिया, 12 का अलग और 5 का सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग रख दिया, जो नहीं होना चाहिए था परंतु एचपीएससी ने रख दिया। अब रख दिया तो उसके खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए, निश्चित तौर से जाएंगे भी। अब कोई भी, मतलब एक गेम स्टार्ट हो गया है, कोई खेल स्टार्ट हो गया है, और उसके बीच में यदि कोई नियम बदल दे तो गलत बात होती है। एचपीएससी ने ऐसा पता नहीं क्यों किया, जिसके कारण कोर्ट केस हो गया, और कोर्ट केस अब खिंचता ही जा रहा है। अभी बहुत सारे हमारे जैसे व्यूअर है ना, उसमें से एक इंग्लिश की भी एक हमारी व्यूअर्स है, फॉलोवर है, और उसने काफ़ी समय पहले एक मेरे पास मैसेज किया था और अपने क्वोटेशन भेजी थी कि मेरे खिलाफ भी लीगल नोटिस आया है। यानी आप ये समझिए कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 2019 के, सभी के खिलाफ मोस्टली लीगल नोटिस आया है, और इस लीगल नोटिस का कारण यही है कि कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया सही माना जाए।
अभी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस सिलेक्शन क्राइटेरिया को सही मानेंगे और वास्तव में फिर मतलब रिवीजन होगा, भर्ती रद्द होगी नहीं होगी, यही रहेंगे क्या रहेगा उसका तो पता नहीं, परंतु कोर्ट को इस केस के कारण थोड़ी सी इमेज धूमिल तो जरूर हो जाती है और कोर्ट केस के कारण भी ये जो वैकेंसी हैं वो अभी तक डिले चल रही है। दूसरा रीजन है सिलेक्शन क्राइटेरिया का। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया जो कोर्ट केस की बात कर रहे हैं वो सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिलेटेड ही तो है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया ने 5 पिछले सब्जेक्ट का बदल दिया और इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन, उसके अंदर केमिस्ट्री, उसके अंदर पंजाबी, उसके अंदर संस्कृत, ये सब्जेक्ट उसके अंदर शामिल थे। और बड़ी कमाल की बात है, सामने ये आई कि जो मतलब गोल्ड मेडल की बात है नेशनल इंटरनेशनल या फिर हमारे स्टेट लेवल पे बात करें, वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो गोल्ड मेडल तो हटा दिए और बाकी जो रिसर्च के सब्जेक्ट थे, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की बात कर लें, बायोलॉजी की बात कर लें, वहाँ पे रिसर्च के मार्क्स हटा दिए, तो क्वेश्चन तो उठना ही था। और कोर्ट के अंदर ये मामला भी सिलेक्शन क्राइटेरिया का चल रहा है, परंतु बात ये नहीं है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के कोर्ट केस के कारण ये डिले चल रहा है। कोर्ट केस को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इससे आगे की बात ये थी कि नई जो वैकेंसी आएंगी उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। और नई सिलेक्शन क्राइटेरिया की यदि बात करते हैं तो HPSC अब की बार वो लूप होल नहीं छोड़ना चाहती थी जो पीछे कर दिया और फिर कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे SPIO जो पर्टिकुलरली रिगार्ड करता है RTI से रिलेटेड, उसमें जवाब देता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया 17 के 17 सब्जेक्ट का एक जैसा है, बराबर है, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी और बढ़ गई, कोर्ट केस बढ़ गए। और मतलब ये है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग थे परंतु SPIO सेम बता रहा था काफ़ी लेट तक। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में अब की बार HPSC चाहती थी कि पहले से सिलेक्शन क्राइटेरिया निर्धारित कर लिया जाए, जिसके बाद बाद में कोई भी कंट्रोवर्सी ना बचे। और सिलेक्शन क्राइटेरिया में डिले हो रहा था, मतलब कोई निश्चित एक पॉइंट पे सब एग्री नहीं हो रहे थे, या फिर ये कहें कि HPSC एक पूरे कमीशन के तौर पे, बॉडी के तौर पे एग्री नहीं हो रही थी कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रॉपर होना चाहिए, जिसके कारण ये वैकेंसी लेट हुई। दोस्तों अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन उठने लग गए। कारण इसका क्या था कि एक सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो सिलेक्शन था ना वो आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, और 17 के करीब शायद ये वैकेंसी थी, इसमें से 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे हरियाणा से बाहर के लोग लग गए। और ये बहुत बुरा था, मतलब बहुत बुरा क्यों था, क्योंकि भाई एक बात देखिए, हरियाणा के अंदर मतलब जनरली बात कर लेना, पहले की जो गवर्नमेंट होती थी वो अप्रोक्सीमेटली 15% का कोटा निर्धारित करती थी कि बाहर के लोग लगेंगे 15% और 85% लगेंगे हरियाणा के। जो जनरल कैटेगरी थी उसके अंदर मतलब 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे ही मतलब आउट ऑफ हरियाणा के लग गए, जिसके कारण मतलब बात ये उठने लगी कि हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है। पहले ही हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 30%, 32%, 33% इतना ज़्यादा पहुंच रखा है, और उसके बाद में यदि आप देखोगे तो सारे के सारे फिर आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट लग जाएं, तो क्वेश्चन तो उठने ही थे। और क्वेश्चन यदि उठने थे तो एग्जाम पैटर्न से रिगार्ड इसके बारे में बात उठने लग गई कि एग्जाम पैटर्न के अंदर बदलाव किया जाए, हरियाणा के क्वेश्चन भी डाले जाएं, क्योंकि राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से मतलब पंजाब की बात कर ली, यूपी की बात कर ली, सब प्रेफर करते हैं कि वहाँ के उनके लोकल उसी स्टेट के कैंडिडेट ज़्यादा सिलेक्ट हों। और हरियाणा के अंदर क्या होता था, UGC नेट की तरह सिलेबस बस UGC और नेट का आता था और हरियाणा का एक भी क्वेश्चन नहीं होता था, जिसके कारण बॉडी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि एग्जाम पैटर्न क्या किया जाए, जिसके कारण लेट होती चली गई वैकेंसी। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, और फोर्थ पॉइंट लास्ट पॉइंट है जिसके कारण हम ये बात करेंगे कि HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेट क्यों हुई। इसका एक मेजर रीजन मैं आपको बताता हूँ, वो था गवर्नमेंट एजेंसी का आपस में उलझना। और ये कैसे उलझना है, मतलब आप ये बात कीजिए कि HPSC भी गवर्नमेंट ही है और हरियाणा गवर्नमेंट तो है ही, इसके साथ में हायर एजुकेशन भी गवर्नमेंट ही है, और जब आपस में एजेंसियाँ उलझने लग जाएं तो दिक्कत आती है। और ये दिक्कत कैसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मतलब क्या था कि हायर एजुकेशन कुछ और चाहता था, HPSC कुछ और चाहता था,
क्या चाहता था कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो, और सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिलेटेड ना बहुत सारे रूमर पहले भी उठने लग गए, पहले ही एपीआई स्कोर के आधार पे सिलेक्शन की बात उठी। एक्चुअल में एपीआई स्कोर के आधार पे सिलेक्शन कंप्लीट सिलेक्शन नहीं था, एपीआई स्कोर के आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करनी थी। इंटरव्यू के लिए जब कॉल हो जाती है तो उसके बाद में सेकंड स्टेप शुरू होता है आपका इंटरव्यू का। सिलेक्शन आपकी प्योरली इंटरव्यू के बेस पे होनी थी, और इंटरव्यू के बेस पे किस प्रकार से, जिस प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के अंदर आपका सिर्फ सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे होता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इसके अंदर तो धांधली होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। इंटरव्यू के बेस पे मान के चलो कि इंटरव्यू सिर्फ 200 का है, उसी बेस पे सिलेक्शन होना है तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी तो रिटन एग्जाम है, फिर एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो है, और फिर इंटरव्यू है, तीनों को मिला के होता है, तो थोड़ा बहुत गुंजाइश कहीं ना कहीं ये बनी रहती है कि आपका जो सिलेक्शन है वो फेयर होगा। बाद में तो बिल्कुल अंधेर गर्दी जिसको कहते हैं ना, वो हो सकती है। तो इसी रिगार्ड के अंदर जो पहले से यूनियन है ना कॉलेज कैडर की हमारे मतलब हरियाणा के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि एपीआई स्कोर पे जो आप सिलेक्शन करना चाहते हैं ये बिल्कुल गलत है वगैरह वगैरह, और ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुंची। और फिर डिसीजन इसके अंदर बाद में ये ले लिया गया कि अब मतलब ये ठीक नहीं है कि एपीआई स्कोर के माध्यम से सिलेक्शन किया जाए, और इसी कंट्रोवर्सी में इसी उलझन के कारण ये वैकेंसी लेट हो गई। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि ये वैकेंसी जो हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इनका लेट होने का कारण क्या था, परंतु आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं हमारे व्यूवर्स जो जानना चाहते हैं कि सर वैकेंसी कब आएंगी। देखिए वैकेंसी मैं बहुत टाइम से, पिछले काफी टाइम से कह रहा हूँ कि वैकेंसी बिल्कुल तैयार है और बहुत जल्द हमारे सामने आने वाली है, परंतु अब की बात यह है कि देखिए ये तो पता नहीं कि बहुत भी कितना लेट हो जाए, परंतु बात यह है कि खबर ये है, इन्फॉर्मेशन ये है कि इसी वीक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारे सामने आ जाएंगी। इसी वीक का मतलब होता है अमूमन फ्राइडे को हम मान के चले, परंतु जरूरी कुछ भी नहीं है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, हो सकता है और भी बहुत सारे लेट हो जाए, परंतु अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार ये पता चला है कि इसी वीक आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएंगी। पहली बात है आपकी वैकेंसीज से रिलेटेड है। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 मार्क्स, वही आप याद रखिएगा, आपका पेपर होगा 100 नंबर का। 100 नंबर के पेपर में से थोड़ा सा बदलाव आप कर लें, आपका सिलेबस तो लगभग यूजीसी का ही रहेगा, परंतु 10 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो सिर्फ हरियाणा के होंगे, हरियाणा जनरल नॉलेज के, हरियाणा जीके के। तो जो हमारे साथी अभी एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा की किताब आप उठा लें, बहुत ज़रूरी है। तो 90+10 यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर और 100 आपके मार्क्स और 90 नंबर यानी कि 90 क्वेश्चन आपके आपके सब्जेक्ट के और 10 क्वेश्चन आपके जीके के जो हरियाणा से रिलेटेड होंगे, हरियाणा जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। देखिए जो एकेडमिक अचीवमेंट है आपकी 37.5 नंबर की, जो पीछे 2019 में 2016 में थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसको देख लिया जाए ना, तो अब की बार जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है कि आपका इंटरव्यू प्लस आपके रिटन के एग्जाम और सिलेक्शन, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट बिल्कुल साफ कर दिया, हटा दिया है। बहुत सारी आरटीआई इसी पे लग रही थी, कोई रिसर्च पेपर की कॉपी मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, तो एकेडमिक जो अचीवमेंट था वो काफी ज्यादा गड़बड़ कर रहा था। तो अब की बार एचपीएससी बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रही है, रिटन एग्जामिनेशन और प्लस इंटरव्यू। तो ये है दोस्तों आपका सिलेक्शन पैटर्न। अब सिलेक्शन पैटर्न के अंदर ये पूछेंगे बहुत सारे हमारे दोस्त कि 100 नंबर का यदि टेस्ट है तो इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। देखिए पेपर आपका 100 नंबर का है, उसको काट चाट के 75 कर दें या ज्यादा कर दें या फिर 82.5 कर दें या 87.5 कर दें, 12.5 का आपका मतलब क्या हो कि इंटरव्यू हो, तो ये अभी डिसाइड नहीं है और मुझे भी नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, परंतु बात ये है कि आपका इंटरव्यू होगा और 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा, इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। एकेडमिक जो अचीवमेंट है वो अब की बार
नहीं रहेगा। तो जितने भी हमारे साथ अभी तैयारी कर रहे हैं, बस वो तैयारी इसी प्रकार से करें, फोकस करें अपने रिटर्न एग्जामिनेशन पे, फोकस करें अपने इंटरव्यू पे, इसी प्रकार से उनका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों इसके साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आप यदि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो पेड है, 100 रुपीज़ उसकी फीस है एनुअली, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। स्क्रीन पे देखिएगा 8818100113, यहाँ पे आप चले जाइएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।